फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम फिर से आप सब लोगों के लिए एक न्यू रील्स वीडियो लेकर के आए हैं। आपने स्टार्टिंग में देख लिया कौन सा, तो चलिए जानते हैं इस पे वीडियो कैसे बनाना है। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले हम अपने VN ऐप को ओपन करेंगे। ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ प्लस के आइकन पे टैप करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। यहाँ से ये हमारी गैलरी में ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम एक लिरिक्स वाला वीडियो लेंगे। सबसे पहले तो हमने लिरिक्स वाला वीडियो ऐड कर लिया है, आप देख सकते हैं ये रहा हमारे लिरिक्स वाला वीडियो। तो ये आ चुका है हमारा लिरिक्स वाला वीडियो। इसके इसमें जो हमारा म्यूजिक है उसको सबसे पहले हम म्यूट कर देंगे और इसके ओरिजिनल रेशियो को चेंज करके हम 9:16 कर लेंगे। ये इंस्टाग्राम वाला हम फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले ये हो चुका है। अब हम यहाँ पे लास्ट में आएंगे, एंड पार्ट में वीडियो के, यहाँ पे प्लस के आइकन पे टैप करेंगे, वीडियो फोटो में जाएंगे। ये हमारे गैलरी में वापस से ओपन हो गया। अब यहाँ से हम एक खुद का वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने ये वीडियो ले लिया, आप देख सकते हैं। आप कैसे भी चाहें, जैसे भी चाहें वैसे शूट कर सकते हैं। स्लो मोशन कर लीजिएगा वीडियो को। वीडियो पर टैप करके स्पीड में चले जाना है, रेगुलर में जाके, और इधर 1 के पीछे करिएगा तो इधर स्लो मोशन हो जाएगा, 1 के आगे करिएगा तो फास्ट हो जाएगा। तो ये मेरा पहले से किया हुआ है, तो हम कुछ नहीं करते हैं। आपको करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं स्लो मोशन। तो वीडियो को स्लो मोशन कर रहे हैं किसी भी तरह से शूट करके। ये हो चुका है, हमने ऐड कर लिया वीडियो को। अब हम इसमें सबसे पहले म्यूजिक ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम टैप करेंगे, टैप टू ऐड म्यूजिक पे, फिर यहाँ म्यूजिक में चले जाएंगे और यहाँ से प्लस के आइकन पर टैप करेंगे, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो में जाएंगे। और यहाँ से हमने एक वीडियो रखा है, उसमें हमारा म्यूजिक है, तो हम उसको ले लेते हैं। सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। ये आ चुका है हमारा म्यूजिक फर्स्ट नंबर पे, आप देख सकते हैं। हम यहाँ से इसको चूज कर लेते हैं और यहाँ से चूज करने के बाद यहाँ से डन कर लेंगे। तो ये हमारा म्यूजिक ऐड हो चुका है इसमें। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये देखिए हमारा म्यूजिक यहीं तक है, एक्स्ट्रा पार्ट है ये हमारे वीडियो का। तो म्यूजिक तक यहाँ पे इसको रख करके अपने वीडियो को यहाँ से बाकी पार्ट हम स्प्लिट करके डिलीट कर देंगे। सबसे पहले तो ये वाला हम डिलीट कर दिए पार्ट को। अब ये हमारा म्यूजिक तक अच्छे से हो आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पे हमारा खुद का वीडियो शुरू हो रहा है, वहाँ पे आ जाना है। और वहाँ से हम यहाँ पे PIP एंड स्टिकर वाला ये वाला जो है इस पर टैप करेंगे, वीडियो फोटो में जाएंगे और यहाँ से हम एक एनिमेशन ऐड करेंगे बारिश वाला, तो हम उसको ले लेते हैं। ये वाला आ चुका है और इसको ऐसे करके जूम कर लेना है और पूरा अच्छे से जूम करके, ताकि आपका कहीं से भी ये वीडियो आपका वाला नहीं दिखे, इसको अच्छे से जूम कर लेना है। और जूम करके फिर यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है, इसी बारिश वाले पे टैप करके यहाँ नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे ब्लेंडिंग करके एक ऑप्शन आएगा, ब्लेंडिंग में चले जाना है और यहाँ पे मल्टीप्ले करके है, मल्टीप्ले करके इस पर डाल देना है और ड्यूरेशन को फुल करके डन कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आएगा, हम आपको दिखा दे रहे हैं प्ले करके थोड़ा सा। ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा और ये बारिश वाले पे टैप करके और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे स्पीड में जाना है और रेगुलर में जाके ये बारिश वाले का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, बढ़ा करके यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद ये लेंथ जो है इसका, जहाँ तक हमारा वीडियो वहाँ तक इसको फुल कर देना है। ये हो चुका है इतना कम्प्लीट, ये देखिए ये हो चुका है इतना। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपने वीडियो में यहाँ पे आ जाएंगे, थोड़ा इधर आगे बढ़ा लेंगे अपने वीडियो को और यहाँ पे आ करके 8:26 में आ जाना है। और यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे ये PIP एंड स्टिकर वाले में टैप करेंगे और वीडियो फोटो में जाएंगे और यहाँ से एक हम बिजली वाला एनिमेशन वीडियो ले लेंगे और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करके इसको भी थोड़ा सा स्पीड कर देते हैं, रेगुलर में जाएंगे और यहाँ से स्पीड कर देते हैं, थोड़ा सा स्पीड करके इसको डन कर देंगे। ये हो चुका है और इसको थोड़ी ही दूरी तक रखना है, बस इतना 1062 पे इसको रख लेना है। यहाँ पे 1062 करके यहाँ तक इसके लेंथ को रखना है, बिजली वाले लेंथ को, और इसको यहीं तक कर लेना। ये हो चुका है। अब इसी बिजली वाले पे हम टैप करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे मास्क में चले जाएंगे, फिर लाइनर पे टैप करेंगे, डबल टैप लाइनर पे करना है और इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है कुछ इस तरह से और यहाँ से डन कर लेंगे। उसके बाद इसको जूम करके कुछ इस तरह से स्काई में अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे तो ये ऐसे करके आएगा। ये देखिए थोड़ा और इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, ये हमारे फेस में नहीं आना चाहिए। ये देखिए इसको अच्छे से एडजस्ट करेंगे, ये हो चुका है इतना हमारा कंप्लीट।
इसके बाद हम क्या करेंगे, वापस से हम यहाँ पे आएंगे जहाँ से हमने बारिश वाला एनिमेशन ऐड किया था, तो वहाँ पे चले आना है। फिर से यहाँ पे पीआईपी एंड स्टिकर पे टैप करेंगे, वीडियो फोटो में जाएंगे और यहाँ से एक और एनिमेशन वाला लेंगे, ये आ चुका है। इसको भी हम जूम करके कुछ इस तरह से अपने पूरे वीडियोज़ के पास लगा लेंगे और फिर इसी पर टैप करके ये वाला जो हमने दूसरा ऐड किया था एनिमेशन बारिश वाला, इस पर टैप करके यहाँ पे फिर से हम ब्लेंडिंग में जाएंगे। ब्लेंडिंग में जाके यहाँ स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको यहाँ से हम कलर डोज में चले जाएंगे और यहाँ से डन करके इसके भी लेंथ को फुल करके डन कर देंगे। ये हो चुका है। यहाँ से अब देखते हैं एक बार थोड़ा सा प्ले करके कैसा दिख रहा है हमारा वीडियो। ये देखिए कुछ इस तरह से ये दिखेगा। बाकी फिर ये बिजली वाले को हम यहाँ से एनिमेशन से यहाँ आ जाएंगे, बिजली वाला एनिमेशन जहाँ पे इंडोर है वहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से हम पीआईपी एंड स्टिकर पे टैप करेंगे, वापस से वीडियो फोटो में जाएंगे और वापस से वही वाला एनिमेशन ले लेंगे जो भी हमने लास्ट में ऐड किया था। फिर इसको भी जूम करके इस तरह से अच्छे से लगा लेना है। आपका वीडियो नहीं शो होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे करके लगा लेंगे इसको। फिर से ब्लेंडिंग में जाके फिर वापस से इसमें भी कलर डोज वाला जो है इसमें डाल देंगे और डन कर देंगे। ये हो चुका है, आप देख सकते हैं आ चुका है हमारे वीडियोज में ये पूरा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये वाला जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट में अपना बारिश वाला वीडियो एनिमेशन ऐड किया था इस पर टैप करेंगे और यहाँ से हम एफएक्स में चले जाएंगे और यहाँ से इसको थोड़ा दूर आगे बढ़ा लेना है और यहाँ से हम क्या करेंगे, जहाँ से हमारा बिजली वाला शुरू हो रहा है वहाँ से हम बारिश वाले पे टैप करके एफएक्स में जाएंगे और वहाँ से वाइट वाला चूज करेंगे और इसकी लेंथ को हम 177 कर देंगे और फिर यहाँ से डन कर देंगे। अब ये देखिए, अब ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे होगा, ये हो चुका है। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जो हमारा ये प्लस का आइकन दिख रहा है इस पर टैप करेंगे और स्क्रॉल करके यहाँ पे रोटेट वाला चूज कर लेंगे और यहाँ से डन कर देंगे। ये हो चुका है इतना कंप्लीट। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, लाइक कमेंट शेयर किया कीजिए और इस टाइप के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब हम आपको एक बार स्टार्टिंग से प्ले करके दिखा देते हैं हमारा वीडियोस कैसा बना है। इस वीडियोस में हमने जो भी चीज़ यूज किया सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा वीडियोस बन चुका है। हमारा वीडियोस बन के कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ एक्सपोर्ट पे टैप करके इसको सेव कर लेंगे, ये हमारे गैलरी में सेव हो जाएगा। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।